a get ready with me. This is the first wedding I'm attending right after Riya's wedding. It's 26 December. Vlogmas kal hi khatam hua and I have so much more energy now. So aaj mere bahut hi close cousin ki wedding hai and I'm getting ready for that. We have to leave by 2 pm but let's just hope I get ready before that. मैं बाल धो लिए सुबह and I want them to air dry. तो I'm gonna do makeup first. तब तक जितना time मिले बालों को अपने आप सूख जाए. And lens ready, moisturize, like skin prep is done. Outfit दिखाते थोड़े time में, but basically it's a pink color lehenga. I'm already wearing the blouse. Now the thing is कि मेरे को music सुनते सुनते ready होना है, but I also want to talk to you. I'm obsessing over this song called Ranjha Reprise. तो फर्स्ट आईज को प्रेप करते हैं. वील कलर करेक्ट, कलर करेक्ट नहीं है तो फाउंडेशन कंसीलर कुछ भी चलेगा. चुप है रांझा. एंड अंडर दैट सेट्स आई विल सेट माय फेस विद द प्राइमर. काफी सालों से आई हैव बीन यूजिंग दिस. कल संगीत था एंड अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट गो बिकॉज कल लास्ट डे था व्लॉगमस का. तो आई वॉन्ट टू मेक श्योर इट इज़ एब्सोल्युटली एवरीथिंग रेडी. बट मम्मा ने थोड़ा ब्लॉक किया था आपके लिए, जस्ट लाइक अ लिटिल वाइब चेक कि कैसा था डेकोर. हर डांस, शी डांस ऑन आंटी जी गेट अप एंड डांस. अब संगीत में जाके आओ, तब तक मैं प्राइमर लगा लेती हूँ. बट नहीं जा पाई. तो आज शादी में आई एम गोइंग टू स्पेंड एक्स्ट्रा टाइम, मीट ऑल द रिलेटिव्स. नाउ यू नो व्हाट टाइम इट इज. टेप अप. सबसे पहले तुम सेटिंग द आईज ताकि आई शेडो उस पर स्मूथली अप्लाई हो. एंड द आई शेडो पैलेट दैट इज सो परफेक्ट फॉर टुडेज लुक इज दिस वन, बिकॉज इसमें सारे एकदम पिंकी टोन्स हैं. सो दिस इज अ परफेक्ट ट्रांजिशन शेड जो मैं ऑल ओवर क्रीज. लुक एट दैट, द कलर पे ऑफ इज इनसेन. तो कमिंग टू द एलिफेंट इन द रूम, रियाज वेडिंग व्लॉग्स एंड लाइक वेयर इज ऑल द कॉन्टेंट पर से क्वेश्चन आ रहे हैं कि यार वेन विल यू पोस्ट अबाउट इट. सो द थिंग इज की आई जस्ट फेल्ट लाइक नॉट पोस्टिंग इट बिफोर दे आर श्योरली रेडी और लाइक टेकिंग द कंसेंट. एंड दैट्स एग्जैक्टली वाई मैंने कुछ भी पोस्ट नहीं किया फ्रॉम हर वेडिंग. नो पिक्चर्स, नो वीडियोज. आई माइट डू स्टोरी टाइम फ्रॉम माई परस्पेक्टिव कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था विदाउट लाइक शोइंग देयर लाइफ. वो शायद हम कर सकते हैं, बट आई फील लाइक आई एम रेयरली सीइंग ऐसे इंस्टेंसेस वेयर अ कॉन्टेंट क्रिएटर वेंट समवेयर एंड डिडंट पोस्ट अबाउट इट. सो आई वॉन्ट टू स्टार्ट द प्रैक्टिस के हे लाइक अदर पीपल आर नॉट कॉन्टेंट क्रिएटर्स बिकॉज दे डिडंट वॉन्ट टू बी. इफ देयर इज अ डे वेयर आई फील लाइक दे वुडंट माइंड इट एंड दे'ड बी कंफर्टेबल, तब देख लेंगे तब का तब. बट मेरी शादी पे इफ यू डोंट वॉच अ सिंगल वीडियो अबाउट माई ओन वेडिंग, द बिहाइंड द सीन्स, द प्रेप, द एंगेजमेंट एंड वेन एवर दैट हैपन्स, देन यू विल बी इन प्रॉब्लम. मेरे शादी का तुमको सब दिखना पड़ेगा बिकॉज आई विल शेयर इट एंड आई वॉन्ट यू टू सी इट. नाउ आई एम गोइंग टू डीपन द आउटर वी विद लाइक डार्कर पिंक्स लाइक दिस शेड एंड दिस शेड. टेकिंग थोड़ा फाउंडेशन एंड पुटिंग इट ऑन द आईलिड. इससे आई हैव ऑलवेज सीन अ मैसिव डिफरेंस इन द वे शिमर सिट्स. ये एकदम बैंग ऑन शेड है. इट मैचेस द लहंगा टू द टी. मैं इसको पूरा रगड़ती हूँ ऐसे एंड देन आई स्टैम्प ऑन द आइलैंड. यू डोंट हैव टू वेक अप येट. आई फील लाइक डूइंग अ लिटिल मोर जैज एंड पिजाज. तो मैं थोड़ा लिक्विड ग्लिटर आई शैडो. आई एम लविंग दिस. While that dries, brows कर लेते हैं so that we can then go in with the eyeliner. So to level up, what I've been doing is watching some of my favorite beauty gurus, revisiting Zoe's videos, even though she feels like she's not the best at makeup. I love her makeup videos. I've also been quite active
to spot key what's new in the market, new techniques, new products. Lakme's website, that's where I ordered a lot of my makeup from. And let me tell you, it was so smooth and so user-friendly. So Lakme's goal was to bring the entire beauty experience to our home just by their website. Like, all we have to do is log in and get in for the experience, and they've kept everything else dead set ready for us. So the new website is all about the tech-powered interface. Like, basically mixing beauty with technology, just like virtual try-ons, foundation finder, which was one of my favorite features. One of the first times I've ever seen something like this. Now, I also saw that there were a host of offers. Like, I think I placed two orders and in both of them, I got 800 ki lipstick and also some free. Let me check. Wait, this is how I got my things. Got samples, and I think this was the lipstick I got free. But specifically for today, I ordered this pink coal like gelato. I think it's going to look bomb. So website pe maine aur kya kya dekha ki bahut sare new products, new offers like this, extensions of their original product line and a lot more, which was only on the website. The entire order placing was also super smooth, very consumer friendly to sum it up. Delivery was super fast, called within the same week. So lipstick mein bhi kafi baar it happens that a shade you see is not what you get. That doesn't happen here kyunki bahut sare shade cards and virtual try-ons bhi hai. So whatever experience you usually have offline is what they've tried to bring online. Like, you can try the foundation, you can try the lipstick, and you can also try eyeshadows before you actually go ahead and buy the makeup. So this was one thing that I really enjoyed while shopping through the Lakme website. There are so many good offers and discounts going on there. So I'll link all the products I'm using in the description box down below so that if you want to use anything, you can go and check it out. Now I feel like the liquid glitters set in, so we can move on with eyeliner. And let us listen to the next song. So, lo-fi music. And I'm going in with this eyeliner. आज तो मैं बहुत बड़ा विंग करने वाली हूँ, because I want all the drama today. Only in the makeup. Only. One of my favorite ranges from Lakme is the Gelato Coal. Getting on to the base, सबसे पहले color correcting the under eyes, because Vlogmas was not easy posting a high quality video every single day, not just in the production. As production to honestly maine bahut zyada money, time aur energy invest ki hai to make sure we're leveling up, but also the video ideas. So thode dark circles hai. I like doing concealer pehle aur foundation baad mein. Mujhe yaad hai ki mere ek fire haircut video mein mere hairdresser ne bola tha ki meri 2021 mein shaadi ho jayegi. तो पूरा 2021 ऑलमोस्ट हर वीडियो पे ये कमेंट आया था कि आपकी शादी होगी ये साल में, यू गेट मैरिड दिस ईयर. इट डिडंट हैपन. तो व्हेन डू यू थिंक आई गेट मैरिड? आई फील लाइक 2023 मे बी. मेरा तो अभी भी सुई आईलाइनर पे अटका है कि इट लुक्स सो गुड. थोड़ा ब्लैक काजल भी मिक्स करते हैं बिकॉज आई वॉन्ट द आईज टू लुक इवन हैवियर. अप्लाइंग लाइक बटर. Tight lining has totally become my thing. And now for the foundation. So foundation ke liye I'm going in with C100 Ivory. But itne sare spots hai mere ko idhar, wait. Idhar pura. I'm still not going to go in with a concealer there because ek to foundation is already quite good coverage. But wo hai mere face pe, so I'm not super this like obsessed about covering it up. अभी है, क्या कर सकते हैं? I haven't taken the best care. तो वो दिखने ही वाला है. हमेशा कंसीलर के ऊपर भी करने का फाउंडेशन, ऐसा मेरा रूल है, ताकि पूरा एक सेम टोन लगे. आई थिंक मम्मा आ गई, शी इज ऑलमोस्ट फुल्ली रेडी. बस उन्होंने ना बाल सेट करवाए थे सलोन से, तो वो आगे से उनके कर्ल्स छूट गए. So that I'm going to revive for her. Now this is my hack, which I think I've shared with you before. Taking a super dark shade of the foundation, which is C390 Cool Cocoa, I'll contour. But make sure you do this before powder set karo, because you don't want to mix liquid and powder products together. I feel like ye karne se na bahut seamlessly aur quickly blend hota hai. ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती. बिकॉज़ आई फील लाइक फाउंडेशन से ना फेस काफ़ी फ्लैट हो जाता है यार. सो आई नीड टू ब्रिंग लाइफ बैक टू इट, द एक्चुअल डायमेंशंस बैक टू इट. वेडिंग के लिए ना रेडी होना इज़ नॉट जस्ट लाइक अ मेकअप प्रोसेस, इट्स अ सुपर फन प्रोसेस.
which today I'm getting ready with you, but I want to sit and get ready with mamma once. Like just her and I. This is the blush I'm going to be going in with, darker shade. जो ओवर ब्लश लगाना नहीं अच्छा लगता एनी विच वेज आई चोज अ डार्कर कलर देन यूजुअल ताकि वो कॉन्टोर में अच्छे से ब्लेंड हो जाए और अलग से पाउडर कॉन्टोर ना करना पड़े दिस इज द हाइलाइटर आई विल गो इन विद देयर आर सो मेनी गुड शेड्स पर मुझे पिंक ही करना है आज ये दोनों शेड्स आई एम कन्फ्यूज्ड एंड यू नो वॉट टू डू वेन यू कन्फ्यूज जस्ट मिक्स बोथ द शेड्स ब्राउन अंडरटोन्ड पिंक इज लैक्मे एब्सोल्यूट 3D मैट लिपस्टिक इन द शेड 12 एलिगेंट पिंक एक्चुअली ये शेड ना एकदम परफेक्टली मैच हो रहा है ठीक है बट अदर वन दैट आई रियली लव्ड वाज फ्रॉम द 3D कुशन नो वेट इट्स फ्रॉम द लैक्मे कुशन मैट रेंज इन द शेड CM1 एक्चुअली मेरे को और गाने गाते हुए रेडी होना है पर मम्मी को ये मेरी फितरत पता है इसलिए वो आके बैठी है कि इनकेस अगर मैंने फालतू का टाइम वेस्ट और किया शी इज़ गोइंग टू ड्रैग मी आउट ऑफ हियर बट वी आर fully ready makeup wise now let's quickly get on to hair this is another song you have to listen to ye mera sabse long lasting favorite bollywood gaana aa raha hai jisse abhi tak song vomit nahi hua mujhe तुझसे नहीं किया तो क्या किया I don't sing well, मेरे को पता है like जो standard है और really good singing पर मुझे मज़ा आता है तो मैं अकेले में बहुत गाती हूँ ओके मॉम ने एकदम कड़क टाइम पे एंट्री मारी है बिकॉज माई हेयर जस्ट गॉट डन आई जस्ट नीड टू डिसाइड ऑन माई ज्वेलरी नाउ ये तीन है ये ना थोड़ा डार्क हो जाएगा सो दैट कैन बी रूल्ड आउट इट्स बिटवीन दीज टू आई डोंट लाइक द वे ही डिड द कर्ल्स यार मतलब आगे से पूरे गिर गए ऐसे स्ट्रेट से लग रहे हैं आई डोंट लाइक द जॉब दैट्स बीन डन ऑन अ हेयर सो आई ट्राई टू फिक्स इट कीवर्ड बीइंग ट्राई क्योंकि मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ This is what I have done. Fronts को properly curl कर लिया I went to a local market recently. वहाँ से मैं बहुत सारी earrings लाई झुमकाज आर द बेस्ट इन्वेंशन इन फैशन आई फील लाइक बींग लाइक करीना कपूर फ्रॉम हर टू टाइम्स कि दोनों कान में अलग अलग झुमके पहन जाऊँ बिकॉज आई कॉन्ट डिसाइड आई एम जस्ट स्टिकिंग टू दिस रेडी